रूस एवं यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ गया है। दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य शक्ति को भारी नुकसान करने का दावा कर रहे हैं। इस सब के बीच वहां रह रहे भारतीयों की स्वदेशी वापसी की कोशिश भी चल रही है, लेकिन हवाई सेवा बंद होने से उनकी वापसी में देर हो रही है। उत्तराखंड के भी कई छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। अधिकांश छात्र छात्राएं वहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्तमुनि ब्लॉक के एक छात्र एवं एक छात्रा तथा ऊटीमठ ब्लॉक के भी एक छात्र एवं एक छात्रा के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी मिली है। ये सभी वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अगस्तमुनि सीएचसी में तैनात फार्मासिस्ट डीएल मिंगवाल के पुत्र अंकित चंद्रा, एक फलई गांव के पूर्व प्रधान विजय भट्ट की पुत्री अवंतिका भट्ट यूक्रेन की राजधानी कीव में पढ़ाई कर रहे हैं। जब से वहां के हालात बेकाबू हुए हैं, छात्रों के परिजनों की रातों की नींद एवं दिन का चैन उड़ गया है। वे हर दिन वहां के हालातों पर नजर रखे हुए हैं। अभिभावकों ने यूक्रेन के कॉलेज प्रशासन पर हालातों की गंभीरता को समझने में गलती करने का आरोप भी लगाया है। अभिभावकों ने बताया कि वह अपने पालियों को 15 दिन पूर्व ही वापस बुला रहे हैं। उन्होंने कॉलेज से ऑनलाइन पढ़ाई कराने का अनुरोध भी किया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन नहीं माना और स्थिति सामान्य होने की बात करता रहा। सुलेचना देवी ने बताया कि रात के समय अंकित से बात होने पर उसने बताया कि वहां के हालात और कठिन होते नजर आ रहे हैं। रात दिन धमाकों की आवाज से शहर थर्रा रहा है और दिन भर सायरन बजता रहता है। एटीएम तथा जनरल स्टोर में भारी भीड़ लग रही है। उन्होंने अपने हॉस्टल में रहने को कहा गया है तथा सायरन बजते ही बेसमेंट में जाने को भी कहा है, जहां नेटवर्क की भी समस्या हो रही है। बच्चों की सुरक्षा के लिए वे हर दम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल अवंतिका की माँ का भी है। अवंतिका के पिता विजय भट्ट एवं माता सीएचसी अगस्तमुनि में हेल्थ कोऑर्डिनेटर रचना भट्ट ने बताया कि शुक्रवार सुबह उससे बात हुई थी। सभी छात्रों से घबराहट तथा वे अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। वहां पर सभी छात्र छात्राएं फिलहाल एक साथ रह रहे हैं। अंकित के पिता डीएम मंगलवार ने कहा कि छात्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यूक्रेन में अभी मेट्रो चल रही है, जिसके द्वारा छात्रों को नजदीक पश्चिमी देशों पोलैंड, हंगरी आदि में भिजवाया जा सकता है, जहां से सभी छात्र हवाई सेवा द्वारा स्वदेश वापसी भी कर सकते हैं। मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से हूं। मेरा बेटा यूक्रेन के कीव यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का छात्र अध्ययनरत है और समाचार माध्यमों से ये ज्ञात है कि वहाँ पर विगत कई दिनों से युद्ध छिड़ गया है और बच्चे बहुत परेशान हैं। मैं हाथ जोड़कर भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप, हम माँ बाप हैं, हमारी पीड़ा को समझिए और हमारे जितने भी भारतीय बच्चे वहाँ पर हैं उनको सकुशल अपने वतन लौटाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार से यथाशीघ्र छात्रों की घर वापसी के लिए उचित कदम उठाने की भी मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर वहां रह रहे छात्रों की पूरी जानकारी उपलब्ध करने को कहा है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि यदि किसी को भी कोई परिजन वर्तमान में यूक्रेन में किसी भी कार्य के लिए गया हुआ हो तो संबंधित व्यक्ति के संबंध में पूरी जानकारी डायल 112 अथवा पुलिस कंट्रोल कक्ष रुद्रप्रयाग के नंबर 7579257572 पर उपलब्ध कराएं। वर्तमान तक सेकेंडरी सोर्सेज से 4 छात्र छात्राओं की जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु इसमें से किसी के भी परिजनों ने जानकारी स्वयं उपलब्ध नहीं कराई है। हम लोग उनके डिटेल्स निकाल के उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसी जानकारी पुख्ता होती है इसको आगे शासन के नियमानुसार निर्देशानुसार फॉरवर्ड करा दिया जाएगा और जो भी इस पर आवश्यक समर्थन यहाँ से स्थापित किया जा रहा है वो कर लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की रिपोर्ट।